यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी बाप की दिल्ली थोड़ा ना है। हमारा भी हमारी वोट लेके बैठे ना, दिल्ली देश की राजधानी है, हमारे भी इतने है जितना सरकार का है और किसी का है। मैं आपको बता दूं ये कानून के बारे में थोड़ा सा, मिर्जा गालिब ने कहा था कि जला जो जिसम दिल भी जला होगा, कुरेदते हो राखे जुस्त जू, क्या है ये तरीका क्या है। एनुअली 12,500 किसान सुसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। 1995 से 2015 तक 3,00,000 किसानों ने सुसाइड की है, तो ये राख कुरेद रहे हैं, सुसाइड कर चुका है वो, कि राख में कुछ ना बचाओ जी मास, ये बेचने जा रहे हैं। मैं कानून के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बता दूं, पहला कानून क्या बोलता है, एपीएमसी से बाहर किसान अपनी फसलों को बेच सकता है। इस देश में 85% किसान ऐसे हैं जिसके 5 एकड़ से कम जमीन है, 70% किसान ऐसे हैं जिसके 2 एकड़ से कम जमीन है। बोला कि प्राइस डिस्कवरी होगी, इंटरस्टेट मूवमेंट हो सकता है। आप मुझे बताओ 2 एकड़ वाला अपनी ट्राली पर कह रहे हैं ना पंजाब यूपी से तमिलनाडु केरला बेचने जाएगा या लंदन अमेरिका बेचने जाएगा, कौन सा लॉजिक है, कौन सी रैशनलिटी है, कितना ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगा उसका। दूसरा कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बोलता है, उसके एक सेक्शन में लिखा है क्वालिटी ग्रेड एंड स्टैंडर्ड, समझ रहे हो बात को। पहले बोला जाएगा कि चावल इतना मोटा होगा, इतना पतला होगा, ऐसा कलर होगा, समझ रहे हो, ये खुला आसमान है, उसके नीचे फसल पैदा होती है, बाढ़ पानी सूखा आंधी तूफान सब कुछ उसको असर करता है। अब मशीन थोड़ा ना कि मशीन में से निकला बिना डिफेक्ट के निकल आएगी, ये तो वही बात होगी, सरकार बोल रही कि पानी वाला जहाज उड़ेगा, हम बोल रहे हैं सर वो तैरता है, बिना नहीं उड़ेगा वो, उड़ रहा है ना पानी वाला जहाज, ये मर रहे हैं किसान, ये बकवास कर रहे हैं। तीसरा कानून क्या बोलता है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में नेहरू जी ने पास किया था, स्टॉक लिमिट लगाई थी, आज उसको स्टॉक लिमिट हटा दी है, और बोला क्या है किसान होल्ड करेगा। किसान के बारे में किसी ने कहा कि छत टपकती है उस किसान की, लेकिन फिर भी वो बारिश की दुआ करता है, उसके सिर पे छत नहीं है, फसल के लिए कहां चलाएगा छत, कौन सा लॉजिक है, कोई रैशनलिटी, बकवास कर रहे हैं, जमीनें बेचने जा रहे हैं। मैं हरियाणा से हूँ, आप सवाल का मुद्दा उठाते हैं, आप ये बताओ हमारे पास जमीनें नहीं रहेंगे, पानी में डूब के मरना है क्या, पानी किसके लिए चाहिए, जमीन के लिए, खेती के लिए। आतंकवादी खालिस्तानी बोलते हैं, अगर हम आतंकवादी हैं तो आप हमारे बीच में ऐसे घूम सकते हो आतंकवादियों के बीच में, 70% देश की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, तो 70% तो वैसे आतंकवादी हो गए, तो देशभक्त कौन है, आतंकवादी बताऊं मैं कौन है, साधु प्रज्ञामल ठाकुर जिसने 2008 में मालेगांव ब्लास्ट केस हुआ था, उसकी मेहनत कुछ है।